पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह ने रविवार को मुरादाबाद में आयोजित बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि 2019 का किला फतह करने के लिए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को कटवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया जाए, पन्ना प्रमुख अपने पन्ने का घर घर जाकर सत्यापन करे, फर्जी मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करके सांसद और विधायकों के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखी जाए। पंचायत सभागार में आयोजित मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र के बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि वाईपी सिंह ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा ने कम्युनिस्ट का 25 वर्ष पुराना किला ध्वस्त कर दिया। सम्मेलन था आज, हम लोगों ने ये बताया कि 4 साल में भाजपा की प्रदेश और देश की सरकार ने जो काम किए हैं, ऐसा काम पूरे विश्व में कोई सरकार इतने कम समय में कर नहीं पाई। हमने देश के विकास की धारा बहाई है, हम प्रदेश में भी मजबूती से काम खड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो कमिटमेंट थे चुनाव में, हमने उनको पूरा किया है। आज के दैनिक जागरण में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का नंबर एक का प्रदेश बन गया है, जिसने केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतार कर हम लोग नंबर वन पर आ गए। पूरे देश में भाजपा की लहर है। 2019 का चुनाव भाजपा पहले से भी अधिक बहुमत से जीतेगी। प्रदेश मंत्री ने कहा कि 2019 से पहले कार्यकर्ताओं को कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान देना होगा। मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं का नाम कटवाना इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रदेश मंत्री ने कहा कि 19 जून को मतदान केंद्र बार सूची का प्रकाशन होगा। 2019 को सांसद विधायकों की प्रशासन के साथ बैठक है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जुलाई को मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने कहा कि 16 से 30 जून तक कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करें। यदि मतदाता का घर मतदान केंद्र से दूर है तो उसका मतदान केंद्र बदलवाएं। युवा मतदाताओं के नाम हर हाल में मतदाता सूची में जुड़वाएं। इतना अच्छा सब कुछ सुनने में मिला कि मन कर रहा है और सुनते रहो। बूथ से लेके प्रदेश तक, प्रदेश तक, राष्ट्र तक कितनी अच्छी बात है सुनने को मिली। शायद पहली बार हम सब लोगों को ऐसा लग रहा। और डॉक्टर व्यापार सिंहसी MLC हैं, गोपाल रंजन जी, नथुराम कश्यप जी, दिलीप वर्मा जी, राहुल शर्मा जी, वीरपाल सिंह जी, नगर विधानसभा के मतदाता प्रमुख नरेंद्र सिंह, देहात के नरेंद्र सिंह जी और नगर के मंगल सिंह राजपूत जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी गण। मतदाता सूची सभी मंडल अध्यक्षों को दे दी गई है और उनके साथ में BLO की सूची भी उनके पास है। लेकिन आसियाना और डॉक्टर एस सी गुप्ता के पीछे का जो क्षेत्र है, अगर उसका मतदान केंद्र आरती में बन जाए तो शायद उस एरिया को ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बूथ कौन से हैं जो उस क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि सभी बूथों में वोट मिले जुले हैं। तो मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री आपस में बैठे हैं और बैठने के बाद इसको बना के दें, या बैठक में उठाने के बाद कहने के बाद उससे हल नहीं होगा। आप लोगों से सबसे मैं कह चुका हूँ, आप काम करके नहीं दे पा रहे और जय मतलब आप उठा रहे हैं, वहां तारीख निकल जाती है तो बाद में उसमें कुछ नहीं होगा, फिर आप ऐसे ही करते रहोगे। आप लोग बूथ का भी नाम लिखते रहे और बिल्डिंग का नाम लिखते रहे 29 तारीख से, 19 से पहले पहले आप दे दें, जिसका ये समाधान हो सके। सम्मेलन में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, महेंद्र गुप्ता, गिरीश वर्मा, राहुल शर्मा, वीरपाल सिंह, राजीव गुप्ता के साथ और भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं वो देश की समस्याएं हैं। कार्यकर्ता हमारा पार्टी का जो है वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वो देश को मजबूत करने के लिए लगता है, देश के बारे में सोचता है। उनके जो भी इश्यूज रहते हैं वो हमेशा राष्ट्र को ध्यान में रखे रहते हैं, उसी के बारे में समस्याएं थी और इन समस्याओं को हम सब। इसके साथ ही अगर बात करें, वोट की बात की जा रही है, वोट बढ़ाने की बात की जा रही है, उनसे लोगों से मिलने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कार्यकर्ताओं की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे, उस पर क्या कहें? कैसे क्या? जो भी ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो बात को नहीं सुनने का काम कर रहे हैं उनका हम इलाज करेंगे, और जो ऐसा अधिकारी होगा जो भ्रष्ट होगा उसको सुधारने का काम करेंगे, उसको मुअत्तल करके उसको भिजवाएंगे अंदर। भाजपा के द्वारा पिछले 1 साल से लगातार यही बात की जा रही है और कार्यकर्ता पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसका अंदरूनी आवाज सिर्फ यही निकल के आती कि जनता से कैसे मिला जाए, क्या कहें? आप लोगों को इस बारे में संदर्भ में ये देना चाहता हूं कि 15 साल इस प्रदेश में सपा बसपा का शासन रहा और सपा बसपा ने जिस तरह की सरकारें यहां चलाई हैं, इसमें भ्रष्टाचार का
बिल्कुल आलम था। हर अधिकारी को कहीं ना कहीं विचारधारा के नाम पर भी अपने साथ जोड़कर भ्रष्टाचार के आगोश में इन्होंने बैठ कर दिया था। वह उत्तर प्रदेश जिसकी ब्यूरोक्रेसी नंबर एक पर पूरे देश में हुआ करती थी, वो 15 साल में नेस्तनाबूद हो गई। हम सब लोग उस ब्यूरोक्रेसी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो इन्हीं सब अफसरों से लेना है। अच्छे लोग हैं, कहीं दुर्व्यवहार ये लोग कहीं किसी के साथ करते हैं तो हम लोग उसको सुधारने का भी काम करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम इंक्वायरी भी सेटअप करते हैं और उनको पनिशमेंट भी देने का काम कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।